अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा सा व्लॉग लेकर आया हूँ। इसमें हम आपको गांव के बाहर जो मनाजर हैं वो एंजॉय भी करवाएंगे, और इसके बाद हम आपको ये जो गन्ना यानी कि इंग्लिश में जैसे शुगर कैन कहते हैं, ये भी आपको चेक करवाएँगे कि ये किस तरह का होता है, और भी बहुत कुछ सिखाएँगे। और ये वीडियो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिर ये गन्ने हैं जिन्हें इंग्लिश में शुगर कैन कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये लॉक हुए हैं, यानी इनकी तरफ कोई नहीं आ सकता। उधर थोड़े से बचे हुए हैं, वो तोड़ेंगे। गन्ने के बारे में आपको मालूमात देता चलूं कि गन्ना जो है ये सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पैदा होता है, और इसकी ज़्यादातर काश्त वहीं होती है, और इसीलिए वहाँ सबसे ज़्यादा चीनी भी तैयार होती है। और गन्ना तबीयत लिहाज से बहुत अहम है, ये बहुत ही सेहत के लिए मुफीद होता है, और इससे हम गुड़ भी बनाते हैं। तो अब हम गन्ना उतारेंगे और वो खाएंगे। ये मैं उतारने लगा हूँ इसे, फिर इसे खाएंगे और टेस्ट करेंगे। तो जी ये मैं अब तोड़ के ला चुका हूँ, और थोड़ा सा मैं ऐसे ना चेक करूँगा। और साथ में चलते भी जाएंगे, जो हमारी नेक्स्ट मंजिल है वो आपको दिखाएंगे। तो स्टे कनेक्टेड विद अस टू वॉच मोर। तो गन्ना खाने के बाद मैं आपको और भी कुछ दिखाऊंगा। अब मैंने ना गन्ना जो उसे टेस्ट कर लिया, वो बहुत ही ना ज़्यादा इतना स्वीट नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था, वो मैंने खा लिया। और अब हम आपको दिखाएंगे जैन को, जो कि फूलों के लिए ज़मीन की जो है उसे सेटिंग कर रहा है, ज़मीन को बना रहा है, और वो बीज उगाएगा। तो डिटेल्स उससे पूछेंगे। ये पीछे अंकल भी आ रहे हैं जिनका डेरा है, जिन्हें हम मियाँ जी कहते हैं, तो इनसे भी मिलेंगे और जैन से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो चलें। अस्सलाम वालेकुम सर, माह शुरू हो चुका है जनवरी 2021, और ये जो मेरे हाथ में पनीरी है ये हमने आए से तकरीबन 2 माह पहले लगाई थी, तो अब ये तैयार हो चुकी है। तो इसकी जो अपडेट है, ये गुले लाला है, तो इसकी जो अपडेट है वो आपको मिलेगी तकरीबन 2 या 3 माह बाद, मार्च मई भी हो सकता है। तो लिहाजा ये लगाने का तरीका आप देखें, तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान ही है बिल्कुल। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको लगा के दिखा, साथ में बताते भी जाए। आप चाहें तो 9 इंच का भी फासला रख सकते हैं, ज़्यादा रखना है वो आपकी पनीरी पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी पनीरी है, तो उसके हिसाब से आप फासला रख सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं इसलिए 5 या 6 इंच का फासला रखूँगा। तो लगाने इतने मुश्किल कोई नहीं है, इस तरह कोई मुश्किल तरीका नहीं है इसमें। तो ये डबल शेड है, एक हमारे पास सिंगल शेड भी है इसका, ये डबल शेड है गुले लाला का, तो बहुत ही प्यारा फूल निकलेगा इंशाल्लाह।
जी वीवर, ये जो है ना व्लॉग ये यहीं तक था। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा, और जो कमियां बेशियां रह गई हैं और जो चीज़ें दिखाने वाली रह गई हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने जो है ना उनके अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।